पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी, डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए। ये यूपी के मुजफ्फरनगर के शराबी हैं। कल तक जो लोगों के रहम पर पल रहे थे, लॉकडाउन के दौरान जो लोगों से मिले खाने को खाकर जिंदा थे, शराब की दुकान खुलते ही जैसे इनके जान में जान आ गई। खाने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन पीने के पैसे जरूर हैं। सड़क किनारे पड़े इन शराबियों की वीडियो बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ अमीर ही नहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये गरीब भी हर दिन इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। खाना मिले ना मिले, सोने की जगह मयस्सर हो या ना हो, पीने को मिल जाए बस, और क्या चाहिए इन लोगों को। देश की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाते हुए सहारा भी दे दिया और 40 दिनों की प्यास भी बुझ गई। इनके लिए स्थिति को देखकर यही लगता है कि लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार इन्हीं पर पड़ी। जब तक खाना नहीं था, अलग अलग संस्थाओं ने पेट भर दिया और जैसे ही मैखाना खुला, शराब से गले की प्यास बुझ गई। अब सोचिए जरा, जो संस्थाएं रात दिन इनको खाना खिला रही थी, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। सरदार बलजीत सिंह की बातों से आपको इनका दर्द भी पता चल गया होगा। असल में हमारी फूड वैन एक खाना बांटती है मंडी की यहाँ पे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि सर कई लोग यहाँ पे दारू पी के पड़े हैं और डेली खाने के लिए हम लोगों के पास ये खाना लेते थे, तीनों टाइम हम लोग खाना दे रहे थे, और कई लोगों को आज देखा गया है कि वो दारू पी के ऐसे हालात में पड़े हैं कि हम लोगों को खुद शर्म आ रही है कि ये लोग मांग के खा रहे थे और खाना ले के खा रहे थे। तो ये थोड़ा सा बुराई लगी, हमें बुरा लगा, महसूस हुआ कि हम लोग तो इनका घर पालने के लिए इनको दे रहे थे लगातार कि असहाय लोग हैं, लेकिन ये लगातार दारू पी के यहाँ पे पड़े हैं, तो उचित नहीं लगा। महसूस लगभग 12-13 लोग ऐसे हैं जो फिट हैं बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए, 40 दिन तक बिना शराब के रहने वाले शराब के शौकीन, शराब खरीदने के बाद इस कदर नशे में धुत हुए कि वो अपने घर का रास्ता भूल कर सड़कों पर ही लेट कर सो गए। ये वही लोग हैं जो कल तक मांग कर खा रहे थे और आज नशे में धुत पड़े हैं। शायद ये भी देश की सेवा कर रहे हो। मुजफ्फरनगर से नागरदत्त शर्मा की रिपोर्ट।